हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो रंगकोटा मेथड की इंट्रोडक्शन की थी, वहां पे हमने उसका प्रोसीजर किया था कि रंगकोटा मेथड फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का और फोर्थ ऑर्डर का आता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से स्टेप हमने करने हैं। और यहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं, यूज आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर टू कैलकुलेट वाई वेन एक्स इज इक्वल टू 0.3, वेन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स वाई, विद द इनिशियल कंडीशन वाई इज इक्वल टू 0 वेन एक्स इज इक्वल टू 0, और एच की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0.1। तो गिवन क्या है हमारे पास, एक तो हमें एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, मीन्स ये हमारा हो गया एक्स नॉट और ये हमारे पास क्या आ गया, वाई नॉट। अब एच क्यू के हमें 0.1 दे दिया, तो 0 के बाद हमारे पास 0.1 आएगा, 0.2 और 0.3, मीन्स ये हमारा एक्स वन हो गया, ये हमारा एक्स टू हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स थ्री। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वाई नॉट की वैल्यू तो दे रखी है, एक तो हमें वाई वन कैलकुलेट करना है, एक वाई टू कैलकुलेट करना है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाई थ्री। तो अब कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो आप लास्ट वीडियो में देखना। यहां पे मैं उसको वो जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने लगा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, 1 माइनस 2 इंटू एक्स वाई। एक्स नॉट की वैल्यू 0 दे रखी है, वाई नॉट की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई वन की। तो उसके लिए हम, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है तो हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वन से पहले के वन और के टू की। फॉर वाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड के वन एंड के टू। फॉर वाई वन, के वन इज इक्वल टू एच इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। एच की वैल्यू 0.1, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हमारे पास 0, और वाई नॉट की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0। तो एफ ऑफ 0 0 इस इक्वेशन में पुट किया, जहां पे से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ गया 0.1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0.1। तो के वन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.1। तो अब के टू की वैल्यू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस के वन। तो 0.1 एफ ऑफ एक्स नॉट 0 प्लस एच 0 प्लस के वन, 0.1 एफ ऑफ 0.1 कॉमा 0.1। सो एफ ऑफ 0.1 कॉमा 0.1 की वैल्यू देखेंगे, कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे। तो 1 माइनस 2 0.1 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.02 विच इज इक्वल टू 0.98। तो यहां से मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, 0.98 विच इज इक्वल टू 0.098। यहां से मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, के टू की। तो अब इन के वन और के टू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, वाई वन में। तो वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट हाफ ऑफ के वन प्लस के टू। वाई नॉट हमारे पास क्या है, 0 प्लस हाफ के वन 0.1 प्लस 0.098 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 0.198 विच इज इक्वल टू 0.099। तो हमारे पास वाई वैल्यू, वाई वन की वैल्यू क्या आ गई, 0.099। वाई वन की वैल्यू क्या आ गई, 0.099। और अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अभी वाई टू और वाई थ्री की। अब वाई टू के लिए फिर से हम के वन और के टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। के वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन 0.1। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.1, और वाई वन की वैल्यू है 0.099। तो 0.1 हम
यहां पे सबसे पहले वैल्यूएट करेंगे एफ ऑफ 0.1 कॉमा 0.099, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मेरे पास बन गया 1 माइनस 2 0.1 0.099 इज इक्वल टू 0.9802। तो ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 0.9802 विच इज इक्वल टू 0.0980। तो मैंने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया तो K1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.098। नाउ K2 इज इक्वल टू H इनटू F ऑफ X1 प्लस H कॉमा Y1 प्लस K1। H की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1, X1 क्या हमारे पास 0.1 प्लस 0.1 कॉमा Y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 0.099 प्लस K1 की वैल्यू 0.098। तो 0.1 एफ ऑफ 0.2 कॉमा 791.0197। तो अब एफ ऑफ 0.2 कॉमा 0.197 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.197 इज इक्वल टू 0.9212। और इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी 0.1 इंटू 0.9212 विच इज इक्वल टू 0.092। के वन और के टू की वैल्यू आ गई है तो अब वाई टू की वैल्यू वाई वन प्लस हाफ ऑफ के वन प्लस के टू। तो वाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.099 प्लस हाफ के वन। K1 की वैल्यू है 0.098 प्लस 0.092 विच इज इक्वल टू 0.194। सो अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है Y2 की 0.194। फॉर Y3 K1 इज इक्वल टू H F ऑफ X2 कॉमा Y2। H की वैल्यू हमारे पास 0.1 है और एफ ऑफ X2 कॉमा Y2, X2 की वैल्यू क्या है 0.2 और Y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.194। तो अब एवेल्युएट करेंगे 0.2 एफ ऑफ 0.194 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 0.2 0.194 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0776। सो दिस इज 4229, सो 0.9224। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0.9224, सो विच इज इक्वल टू 0.0922। अब K2 की वैल्यू K2 इज इक्वल टू H इंटू F ऑफ X2 प्लस H कॉमा Y2 प्लस K1। तो 0.1 एफ ऑफ X2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2 प्लस H क्या है हमारे पास 0.1, तो ये बन गई 0.3 और Y2 की वैल्यू 0.194 प्लस K1 0.0922 इज इक्वल टू 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.3 कॉमा 0.286। तो अब एफ ऑफ 0.3 कॉमा 0.286 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 0.3 0.286 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1716। तो सब्ट्रैक्ट किया 4828 0.8284। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.8284, तो ये मेरे पास आ गया 0.0828। तो फाइनली K1 और K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन हमारा Y3 है दैट इज इक्वल टू Y2 प्लस हाफ ऑफ K1 प्लस K2। तो Y2 की वैल्यू हमारे पास 0.194 प्लस हाफ ऑफ K1 0.0922 प्लस K2।
0.0828 इक्वल टू सिंप्लीफाई करने के बाद 0.2815। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो y3 की वैल्यू हमें चाहिए थी और y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.2815। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो।